हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विलयन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। गाइस, सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट जो डेली डेडिकेशन के साथ में 6 बजे सुबह या फिजिक्स केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिस क्लास है इसको लेते हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में से प्रेजेंट सर लिखेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ में डेली क्लासेस को लेते हैं। गाइस, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के जो विलयन चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है और आपका सपना है बोर्ड में एक अच्छा परसेंट लाना, तो गाइस आप सभी लोगों के लिए यह शिखर बैच अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जो चल रहा है यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। गाइस, मैं सभी से बता देना चाहता हूं, आप क्लास 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप अभी तक कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, अगर आप अभी से भी चाहते हैं दिन दुगुना चार गुना मेहनत करने के लिए, डेडिकेशन के साथ में मेहनत करने के लिए, तो अभी भी पर्याप्त समय है। आप सभी लोग मेहनत करके सिलेबस कंप्लीट करके तैयारी कर सकते हैं। इस बैच में आपको स्टार्टिंग से पूरी क्लासेस मिल जाएंगी और आगे क्लासेस पूरी लाइव चल रही है। लाइव क्लास जो होती है वो लाइव डाउट क्लास होती है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है हैंड राइज करके पूछ सकते हो, और वहां पे आप लोगों को अलग से व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हो। इसके साथ में आपको क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाता है, पीडीएफ के साथ में असाइनमेंट डीपीपी प्रैक्टिस सेट होता है। आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन टेस्ट सैटरडे के दिन होगा, जहां पर आपकी तैयारी बेस्ट बनाने में हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन यह तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। आप इसे ज्वाइन तभी करें ऐप को डाउनलोड करके जब आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, आप ये चाहते हैं कि बोर्ड में आपका अच्छा परसेंट आए और आप मेहनत करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप ज्वाइन करें। निश्चित रूप से मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल देंगी, और साथ में आपको चैप्टर वाइज मेमोरी चार्ट दिया जाता है, जिससे भूलने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। इसको रोकने के लिए हम लोग मेमोरी चार्ट का प्लानिंग किए, ताकि आप जो भी पढ़ाया जाए उसका एक मेमोरी चार्ट बना के दे दिया जाए, ताकि कम समय में आप उसे रिवाइज कर सके। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में यह बैच आपको दिया जा रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर लाइव क्लासेस के साथ में। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वहां पे अपने नंबर से लॉगिन करके एक छोटी सी फी है जिसको पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे नंबर दिया गया है 930-577-1375 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको रोज क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल करने पर सभी का कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो लेक्चर में सभी को रोज बता दिया करूँ क्या क्या है, खुद से जाके डाउनलोड करके साइबर कैफे वगैरह या ई मित्र वगैरह के दिखाकर ऐप को ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास अगर कॉल भी करना तो 9-10 बजे की बात करना, हो सकता है कोई कॉल रिसीव कर ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, या अभी भी कॉल करो, अगर होगा नसीब में तो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब भी कॉल करना, एक बार रिसीव नहीं होता तो 10-12 बार कॉल करना, रिसीव हो जाएगा, क्योंकि हजारों कॉल दिन भर में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आप सभी लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि विलयन होता है, कैसा विलयन होता है, समांगी विलयन होता है, विसमांगी होता है, संगत विलयन और असंगत विलयन। देखो, मैंने आपको जब विलयन चैप्टर पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको विलयन का परिभाषा लिखवाया था। क्या विलयन का परिभाषा लिखा था, विलयन का परिभाषा लिखाया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक, देखो पहला क्वेश्चन परिभाषा से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। यह मैंने आपको परिभाषा लिखा था। तो विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी लोग ए लिख देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना, जिसको आ रहा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे दे नंबर एक लिखकर। ठीक है, चलिए नंबर दो क्वेश्चन पे चलते हैं। विलयन के मुख्य घटक होते हैं, देखो एकदम इस तरह से क्वेश्चन डिजाइंड है कि आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा अगर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो। विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा क्या होता है, विलायक। अब यह विलेय विलायक पहचानने का मैंने तरीका बताया था। देखो विलेय में एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, विलायक में 1, 2, 3, 4 शब्द। तो भैया जहां पे शब्दों की संख्या अधिक वह अधिक वाला होगा। जैसे चीनी और पानी मिला लो तो देखो चीनी पानी जो शरबत बनाते हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। मैं देखो एक्स्ट्रा जा रहा हूं इस क्वेश्चन से, या हालांकि क्वेश्चन सी यहां से आप लोग क्लियर हो गया, सी वाला ऑप्शन होता है विलयन में दो घटक होते हैं विलेय विलायक। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको कुछ अच्छा
कुछ अलग तैयारी हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो कैसे पहचान रहे हो कौन विलय है कौन विलायक, हालांकि मैं बता चुका हूं, जिसको पता है जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, चीनी पानी में कौन विलय है कौन विलायक है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, देखो चीनी और पानी का मैंने विलयन लिया, तो मैंने देखूंगा वहां पे कौन अधिक है, चीनी अधिक है या पानी अधिक है, चीनी अधिक होगा या पानी अधिक होगा, जो अधिक होगा यानी एक दो तीन चार शब्द ना, जो अधिक होगा वो विलायक होगा। तो मैं देखूंगा शरबत में पानी अधिक होता है, चीनी तो एक आध मुट्ठी डालते हैं सब लोग, एक बाल्टी में एक आध मुट्ठी चीनी डाल देते हैं, बाकी क्या क्या डाला जाता है, पुदीना उदीना डाल के शरबत बना देते हैं, पन्ना उन्ना बना देते हैं। तो यानी पानी आपका क्या होता है, विलायक होता है, और चीनी क्या, विलेय होता है। तो यानी किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलेय होता है। सीख गए नहीं सीखे, सीख गए या नहीं सीखे, एक एग्जांपल और करो, मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर, इसमें कौन है कौन विलायक कौन विलेय, इसमें बताओ, आओ बताओ, लिखूं बताओ बताओ, लिखूं लिखूं, नमक और पानी क्या होता है, जब आप किसी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, जब लड़ाई हो जाती है, जब आप थुरा जाते हो, थुराने का मतलब पिटा जाते हो अपने दोस्तों से, तो नमक पानी में घोर 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 के पैर उड़ धोना पड़ता है ना, दर्द करता है उसे रोकने के लिए, सोलिंग हो जाती है उसको बचने के लिए। तो भैया बताओ इस नमक पानी में कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, विलयन का वह घटक जिसका मात्रा कम होता है उसे कहा जाता है विलेय कहा जाता है। मैंने अभी बताया जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, ध्यान देना, विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वह विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलयन की भौतिक अवस्था जो होती है ना, यह विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है, किस पे, विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे बताओ। 2m क्या है, H2SO4 का सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगा, 2m H2SO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी तक आसानी आसान क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग, सांद्रता बताओ ग्राम प्रति लीटर में, 2m H2SO4 की सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में बताओ, 2m H2SO4 की सांद्रता, देखो क्या लिखा है, 0.2 कैपिटल m H2SO4 लिखा हुआ है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम का मतलब होता क्या है बताओ, कैपिटल एम का मतलब क्या है, यानी कि यह जो है H2SO4 की क्या है, मोलरता है कितना, 2m, 0.2m जो है H2SO4 की क्या है, मोलरता है, ठीक है, 0.2m जो है H2SO4 की मोलरता है ना। अब इसकी सांद्रता आपको ग्राम प्रति लीटर में बताना है, ठीक है, किसमें बताना है, ग्राम प्रति लीटर में बताना है। कैसे बताओगे बताओ बताओ, किसी को आया, किसी को आया कि नहीं आया बताओ। देखो ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता मोलरता सांद्रता बतानी है, कैसे बताना है, इधर ध्यान देना, आपको यह पता होना चाहिए कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला मैंने लिखवाया था, मोलरता, देखो भाई भूल रहे हो, मोलरता जाके पन्ना पलटो, जो पढ़े हैं पन्ना पलटो जाके, मोलरता इंटू अणुभार ना। अब यहां पे मोलरता कितना भाई, 0.2m है, नहीं याद आए तो फिर से याद कर लो अभी, ठीक, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाता है, अणुभार अणुभार। अभी मैं ट्रिक भी बता देता हूं कैसे याद करने के लिए, देखो 2m क्या हो गया, इसकी मोलरता दिया गया, अणुभार इसका निकालो भाई, इसका अणुभार निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इसका अणुभार निकालो, H2SO4 का अणुभार, देखो मैं निकालता हूं, 2 × 1 ठीक है, प्लस 32 प्लस 16 × 4 निकालोगे, 16 × 4 = 64, 64 × 2 = 66, 2 × 68 = 30, 98 इसका अणुभार आए, × 98 × 98, ये 98 करोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर बताओ, 98, 100 × 200 होता है, 200 में 4 कम 196, 19.6
इतना ग्राम प्रति लीटर इसकी सांद्रता होगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखो सर, सर मुझे तो ये फार्मूला भूल गया, लेकिन मुझे ये याद था कि मोलरता का क्या फार्मूला होता है, तो मैं बताता हूं कैसे निकालोगे आप। देखो आप जानते हो, मतलब आपको अगर मोलरता का फार्मूला पता था, मोलरता ज्ञात करने का, तो आप इसे ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? मोलरता इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है, मोल अपान लीटर, यही था ना, लीटर में सांद्रता था या लीटर में ने? यही था। आप जानते हो मोलरता इज इक्वल टू क्या जानते हो आप, मोल अपान लीटर ना? आपको यह पता होना चाहिए कि मोलरता इज इक्वल टू, मोल को क्या लिखते हैं, ग्राम बटे अणु भार अपान लीटर, ये लिखते हैं ग्राम बटे अणु भार अपान लीटर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोलरता इज इक्वल टू ग्राम बटे अणु भार इंटू लीटर, ठीक है। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता चाहिए था ना, इसे अणु भार रखे यहां पे क्या काम है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता चाहिए। अब यहां पे अणु भार एक्स्ट्रा है, तो इसको उठा के इधर भेजेंगे ना, और भाग साले मेरे घर से भागो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मोलरता इंटो अणु भार इज इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर, आ गया फार्मूला, आ गया फार्मूला, यही तो फार्मूला था। अगर आपको ये याद होता तो भी आप इसे याद कर लेते, लेकिन अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो सभी लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें, इजाजत है, अरे बोलो का इजाजत है। चलो अगला क्वेश्चन आसान है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जल वाष्प का मिश्रण, वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, आंसर बता देना सभी लोग। मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया, मैं सभी से कहना चाहता हूं शिखर बैच ले लो, वहां पे ले लो शिखर बैच, वहां पे चीजों को एकदम स्टार्टिंग से समझाया गया, नो डिट्रैक्शन, नो कोचिंग क्लासेज, केवल ओनली वन फोकस ऑन स्टडी, स्टडी पे अगर फोकस करना है भाई, मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, तो ले लो शिखर बैच, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा, चीजें तैयार भी हो जाएंगी। चलो आ जाओ यहां पर, हो गया, चले आगे, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन क्या है, वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का है। देखो वायु है, वायु में जल वाष्प मिला हुआ है, वायु में क्या मिला हुआ है, जल वाष्प मिला हुआ है, वायु में क्या मिला हुआ है, जल वाष्प मिला हुआ है, तो यह किस प्रकार का मिश्रण है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, वायु अधिक है या जल वाष्प है, बताओ, वायु अधिक है या जल वाष्प, बताओ, जो अधिक होगा उसी प्रकार का मिश्रण होगा, बताओ, आपको स्पष्ट लिखा है कि वायु में जल वाष्प घुला हुआ है, यानी वायु में घुला हुआ है, मैंने बताया था जो अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, यानी यहां पे वायु क्या है, विलायक है, वायु में जल वाष्प है। जैसे आप कहोगे, क्या कहोगे, मेरे अंगने में तेरा क्या काम, मतलब वही गाना गा रहा हूं भाई, क्या गाना नहीं गा सकता हूं क्या, अरे यार गाना गा सकता हूं यार, इतना मेरा राइट है। अब समझो, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, अंगना मेरा है, यानी मेरा अंगना बड़ा है तभी तो तुम आए हो, तो वही बात, वायु में जलवाप से, मान जलवायु ज्यादा होगा जलवाप कम होगा, जो ज्यादा उसका नाम विलायक, जो कम है उसे विलेय कहा जाता है, जो कम हो उसे क्या कहता है, विलेय कहा जाता है। अब देखो भैया, विलायक विलेय, विलायक विलेय, खलनायक नहीं, कुछ लोग खलनायक समझ, अरे खलनायक नहीं भैया, विलायक है, ये विलायक है बंदा, खलनायक नहीं है, खलनायक खलनायक समझ जाते हैं सब, अरे खतरनाक बंदे बंदियां हैं हमारे पास, ये विलायक है भाई, विलायक। अब बताओ जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक, मैंने कहा विलयन का भौतिक अवस्था, ये क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, किसी विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करती है विलायक के भौतिक अवस्था पर। अब इस क्वेश्चन में
विलायक क्या है, विलायक क्या है, वायु है, वायु क्या होता है, गैस होता है, तो यह विलयन कैसा होगा, कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा, यह विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। अरे बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग ना, यह क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क यह क्वेश्चन कल भी इसी टाइम मिलेंगे, ज्यादा नहीं करना हमको, जितना करना है समझते चलना है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और वीडियो देखकर आप लोग रिपीट कर लेना, तैयार कर लेना, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कल इसी के आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, डिस्कस करेंगे। सभी को जय माता सरस्वती। और हाँ, जिसको भी ज्वाइन करना है भाई, यह शिखर बैच है, ज्वाइन कर लो, अभी भी समय है, हाथ से निकल जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, चीजें तैयार हो जाएंगी फनी तरीके से, मजा आएगा, उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा समय निकलने के बाद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम ना, सभी को जय माता सरस्वती, ठीक है।